क्या ध्यान दे। कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी देश विदेश स्पेशल उड़ने के लिए तैयार है। इस उड़ान के मुख्य चालक वो है जिनकी हंसी से ये उड़ान इतने साल से चलती आ रही है, अर्चना पूरन सिंह। और इस उड़ान के सह चालक है कॉकपिट के ब्रैड पिट रोहित शेट्टी। कॉमेडी सर्कस सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक इस ब्रांड ने पूरे किए हैं 100 एपिसोड। तो देश विदेश में शो करने जा रहे हैं और फिर से अप्लाई किया है उन्होंने वीजा के लिए। देखते हैं इस बार उनको वीजा मिलता भी है या नहीं। सो प्लीज वेलकम सुदेश एज सुदेश एंड कृष्णा एंड मेलिसा एज वेरियस आर्टिस्ट। हेलो, हाँ जी, अमेरिका शो है? नहीं, आई एम वेरी बिजी, मैं नहीं आ सकता। ऐसा करो, आप ऑडियंस को लेकर इंडिया जा जाओ। देखो, अगर आपके पास ऑडियंस का बजट नहीं तो एक स्टार का बजट क्या होगा? I'm sorry, फोन रख साले। मेरे में घमंड नहीं है, वैसे पता क्या है, मेरे पास वीजा नहीं है ना अमेरिका का। इसीलिए तो अमेरिकन एम्बेसी में आया हूँ वीजा लगवाने के लिए। तो यहाँ पे बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे घुसे? यार कमाल कर रहे हो, आपके अमेरिका में बिना परमिशन के जहाज घुस जाते हैं, हम अंग्रेजी में नहीं घुस सकते। ये बताओ काम क्या है? जी बस एक बढ़िया सा ना वीजा बना दो। इससे पहले तुम फॉरेन गए हो? गए हो? जी मैं कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो नहीं गया। बाकी इधर हांगकांग, दुबई वगैरह तो मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, वीजा नहीं लग रहा मेरा। Disgusting! देखो, तुम्हें एक हफ्ते से ज्यादा वीजा नहीं मिल सकता। मिल तो जाएगा ना? हाँ। तो फिर मैं पासपोर्ट बनवा लूँ? What? मेरा मतलब है इस बार मैं अपना बनवा लूँ, कब तक मैं दूसरों के पासपोर्ट पे जाता रहूंगा? आप समझते नहीं हूँ, मैं दूसरों के मतलब वो अपने ही है, रोहित जी को पराई थोड़ी। अगर वो मेरे राशन कार्ड पे अपने घर का राशन ला सकते तो मैं उनके पासपोर्ट पे बाहर नहीं जा सकता। ये लाओ तुम्हारा वीजा और ये लाओ तुम्हारा पासपोर्ट। पासपोर्ट तो मैंने सुना था पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता है बनवाने के लिए। अबे 10 मिनट के स्क्रिप्ट में कहाँ कहाँ भाग गए? चलो यार शुक्र है। ध्यान प्लीज, ए वीडियो की तरफ नहीं ऑडियो की तरफ ध्यान दो। मुंबई से अमेरिका जाने वाले जितने यात्री हैं ना, वो विमान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सिर्फ एक ज्यादा सुदेश नाम का आदमी अभी तक नहीं पहुंचा। एक्सक्यूज मी, आप सुदेश हो? चलो शुक्र है किसी ने तो पहचाना। पहचाना नहीं, कुतरिया मैं पूछ रही हूँ। तुम सुदेश हो? तो यहाँ क्यों खड़ा है बे? 10 मिनट से वहां प्लेन रुका हुआ है, सामान कहाँ है तेरा? एक गंदा आदमी, कोई आया नहीं अभी तक? अरे सब तेरा वेट वेट करके पैदल निकल चुके हैं अमेरिका, आधे लोग तो पहुंच भी चुके हैं, मुझे फोन भी आ गया है। अभी तू यहाँ आराम से बैठ और मेरा इंस्ट्रक्शन सुन। चेयर किधर है? अबे तू लगेज में बुक हुआ है कुतरिया। चेयर बैठ, नीचे बैठ। इस विमान में दो द्वार आगे। देख इधर देख, तेरी नौकर नहीं हूं मैं, बार बार नहीं दिखाऊंगी मैं। इस विमान में दो द्वार आगे और दो द्वार पीछे है। और ये औरत बोर करेगी मेरे को, मैं तो फॉरवर्ड ही कर दूंगा। हमारा विमान 10 मिनट में मुंबई से अमेरिका पहुंच जाएगा। सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? सर देखो मैं तो सच्ची बात करूंगा, मुझे नहीं अच्छी लगी। हराम जादी, 10 मिनट में तुझे अमेरिका पहुंचा रही हूँ, इससे अच्छी सर्विस तुझे कहाँ मिलेगी?
ओ तू प्यार से बात कर, मेरे से गुस्सा थूक दे यार तू। थू। और कुछ लेंगे सर? क्या क्या है? सर खाने में चिकन लेग पीस मिलेगा सर। देखो मैं प्योर वेज हूँ, बकरा वगैरह मिलेगा? अबे क्या बकरा है, मेरा टाइम वेस्ट करे, जल्दी बोल मुझे प्लेन भी चलाना है। और पायलट भी तू है? हाँ तो मैंने ट्रक इतना फास्ट चलाती थी ना, लोग कहते थे ये तो पायलट है। तभी मेरी नौकरी लगी, ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं। अब बैठ इधर, प्लेन चलाऊ मैं पहले। यार मेरी किस्मत ही खराब है यार जिंदगी। ओए ओए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी तो डांसर ही नहीं आई यार। मैं तेरे थप्पड़ मारना जहाज में डांस कर रही, उल्टा ना तू कहाँ थी? सॉरी सुदेश जी, वो क्या है ना, मैं कृष्णा के वजह से लेट गई। आई मीन लेट आई। आपको पता है सुदेश जी, कृष्णा मुझे रेस्टोरेंट ले गया। रेस्टोरेंट में? आमतौर पे तो वो होटल में लेके जाता है। क्या कह रहे हो, इसका मतलब है वो बंदा सही नहीं है? नहीं नहीं, वो बंदा ही सही है, जब खुल जाए तो फिर सही नहीं है। तुम्हें पता है कृष्णा क्या क्या करता है? मुझे कैसे पता होगा, अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे। चलो फिर मैं पहुंचाता हूं। हाँ? वो पता क्या करता, पहले ऐसे हाथ पड़ेगा। हाय मिलीसा, तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे हैं, नाखून अपने बड़े प्यारे, ओए खुशबू बड़ी शानदार है। ऐसे फिर लड़की को मजा आने लगता है, आ रहा ना? हाँ। थैंक यू। तो फिर ऐसे ही बढ़ता बढ़ता। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तुम क्या समझती हो कि मैंने सिर्फ उसको कॉमेडी सिखाई है? जहाजगढ़ के वासियों, ये जहाज हाईजैक हो चुका है। अबे जो कुछ भी है तेरे पास निकाल। चल जीप खोल। ये जीप। सर जी आप इतने बड़े आतंकवादी, ये गन रखो पास। कोई शरीफ बंदा मिल गया तो शरीफी शर्मिंदगी से मारे जाओगे, पास रखो। तूने एक स्टार को थप्पड़ मारा? तूने बाप का दूध पिया ना, इसको मार के दिखा। सुदेश जी आपने मुझे थप्पड़ क्यों लगवाया? क्योंकि आती बार तो मुझे ये ना कहे कि लहरी अकेला ही पिटा था। अरे किस किस्म के मर्द हैं आप? अरे मुझे आपको इस आतंकवादी से बचाना चाहिए। आज आपको आपकी मर्दानगी का सबूत देना होगा। पहले नहीं कहा जब ये नहीं आया था, मर्दानगी का सबूत देना होगा। इसको मैं गोली मार दूंगा, ये बहुत बड़ा कुतरा है। बता तो सही, मैं मर जाता तो एक्ट यही खत्म हो जाना था। तू मरा नहीं साले, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत अच्छी कॉमेडी करेगा और सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? सर जी एक बार उसे चेक दे दो, खुशी भी होगा शाबाशी भी देगा। सरदार अब हमारे सारे पंच खत्म हो चुके हैं, अब एक ही चीज बची है। ए छमिया, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इस कुतरे की सांसें चलेंगी। नाच। अर्चना मैंने देखा कि आप हंसते हुए रुकी नहीं जा रही थी। I want to know आपके कमेंट्स क्या हैं इनके लिए? 10 is too little to give to you. You are so good. Melissa, you are such a wonderful performer. Wonderful. Sudesh, what? I'm in love with you. Really? And Krishna, you become my heartthrob now. Oh. बहुत honesty है आप लोगों में। The way you all performed, कि अगर मलिसा है तो मलिसा पे ही नजर है, अगर कृष्णा आया है तो सिर्फ कृष्णा पे नजर है, अगर सुदेश is saying तो सुदेश पे ही नजर है। And that is very difficult इतने बड़े स्टेज पे। Thank you so much. Thank you. And marks दे दीजिए। It's a 10 obviously. It's all for you. अरे वाह।
सुदेश जी, आज तो आपका सीरियसली लकी डे है। आपसे मिलने एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस आई है जो आपसे कॉमेडी सीखना चाहती है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम उत्तरन की तपस्या उर्फ रश्मि, जो आई है कॉमेडी सीखने सुदेश जी से। सुदेश लहरी है ना जी? वो जो कॉमेडी सर्कस में आता है, नाचते गाते है, घुमा फिरा के बेइज्जती क्यों कर रही हो? सीधा कहो ना, मैं भांड हूँ जी। मजाक कर रहे हैं। तो शुरू किसने किया था? सर आप मुझे भी कॉमेडी सिखाएंगे? जी नहीं, मैं एक गलती दो बार नहीं कर सकता। मैं तो आपसे पहली बार सीख रही हूँ। तुम पहली बार सीख रही हो ना, मैं कृष्णा को सिखा चुका हूँ, वो स्टार बन गए, मैं फिर वही खड़ा हूँ। सर प्लीज सिखाइए ना कॉमेडी। ना प्लीज ना सो। ना सर। ना सर। ना सिखाइए ना। ऐसे करोगी तो मैं अपनी कॉमेडी भी भूल जाऊंगा। प्लीज ना। चलो मैं सिखाता हूँ, तुम ऐसे लगी रहो। दूसरा हाथ दो, थक गया है तो। ये क्या किया तूने? आपने हाथ मांगा तो मैंने दे दिया। मैंने ऐसे हाथ नहीं कहा, कॉमेडी मुंह से होती है, मुंह से। ये देखो। इधर थोड़ा पास आ। ये कैसी कॉमेडी सिखा रहे हो? ये कैसी कॉमेडी सिखा रहे हो? मुझे क्यों इतना पका रहे हो? बंद करो। पैसे ये देती है आपको? बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। और तू कॉमेडी सीखने आई है या सिखाने आई है? गुरु मैं हूँ कि तू कॉमेडियन? मैं हूँ मैं। सुदेश जी, आज भी आपको अपने मुंह से ये बात बतानी पड़ती है कि आप एक कॉमेडियन हो। खैर कोई बात नहीं, आप ना मुझे कॉमेडी सिखा दो, फिर आप भी थोड़ी बहुत फेमस हो जाएंगे। ओ यार, इसको लाया कौन है? कौन लाया इसको? क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? मार तुम लेती हो, बेइज्जती तुम कर लेती हो, गाने भी तुम गा लेती हो, और क्या सीखोगी? यानी कि मैंने कॉमेडी सीख ली? सीख ली। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रही। वो क्या है? और मैं थप्पड़ मारना तेरे। तुमने सारी पब्लिक के सामने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ। तुमने तो मुझे एक थप्पड़ मारा ना, अब मैंने 50 थप्पड़। तो नाना खाए पीछे जाके तो मेरा नाम सुदेश लहरी नहीं। आप इंजॉय करो, मैं थप्पड़ खा के अभी आता हूँ। चलो जी, चलो 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 चलो, बाय। अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। अफ्रीका से आई क्वीन भारती को भी एक गलतफहमी है कि वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है, मॉडल बनना चाहती है, और फैशन डिजाइनर शरद और उनके असिस्टेंट परेश बना रहे हैं उनके लिए एक गाउन। Please put your hands together for शरद, भारती एंड परेश। हेलो 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 हेलो। हाँ यस, पप्पू टी शर्ट स्पीकिंग मैम। कहाँ है मैम आप? अरे मैं तो कब का आ गया, तकरीबन एक मिनट हो गई। आप कहाँ हैं? हाँ हाँ सर भी आ जाएंगे। सर कहाँ रह गए थे आप? डायलॉग के साथ साथ आपके आने की भी टाइमिंग में गड़बड़ है। शट अप। हाय अर्चना। हेलो। हाय रोहित। सर सर पर्सनल मत होइए, ये रोहित शेट्टी है, रोहित वर्मा नहीं। आई नो दैट, इसीलिए तो बॉडी देखी। वैसे वो अफ्रीका की महारानी नहीं आई जिनकी हमें ड्रेस बनानी है? सस्रीकाल। हे नौकरानी, महारानी नहीं आई? फिटे वो तुम्हारा, मैं महाराजा लग रही हूँ, मैं ही हूँ महारानी। I am the designer, Gay Win. मुझे लगता है तुम्हारे सर सारा डिजाइन कपड़ों में ऐसे ही डालते हैं। भी मशीन बंद कर लो, ऑन छोड़ दी आपने। नहीं नहीं मैडम, सर ऐसे ही है। फिर शुक्र करो भगवान का कि तुम्हारे सर टीचर नहीं है, नहीं तो बच्चे तो खुश हो जाते, पेपर ही बड़ा मस्त चेक करते, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका ह्यूमर काफी अच्छा है, बस थोड़ा सेंस आ जाए तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो जाएगा। बाय द वे, हाउ आर यू? आई एम ब्यूटीफुल। मैं हूँ अफ्रीका की महारानी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप आई तो अफ्रीका से हैं, तो आप पंजाबी कैसे बोल लेते हो? जंबो जकू टापू का। समझ आया? ये
साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज थी, इसीलिए पंजाबी बोल रही हूँ। बाय द वे आपका नाम क्या है? कोई नहीं, अलूंगा। बताओ, ये कोई नहीं है, कोई होती तो क्या होता है? आपने ये टोपी क्यों लगा रखी है? यहाँ धूप तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ सर आपको क्या है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि धूप की वजह से उनकी स्किन कहीं काली ना हो जाए, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इसे छांव की वजह से उनकी स्किन कहीं गोरी ना हो जाए। ये वो तुम्हारा बदतमीज कहीं के, भगवान ने थोड़ा सा रंग क्या दे दिया, कितनी इंसल्ट कर दी मेरी। इतना करो, ज्यादा फर्क नहीं है, 1920 का फर्क है। मुझे तो 1920 का फर्क लग रहा है। ये है कौन बदतमीज, कब से मेरी बेइज्जती करी जा रहा है? तमीज से बात करो, मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, प्रोफेशनल पर्सनल नहीं। मेरे को ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? आपकी चुप्पी ने बता दिया, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। हाय रब्बा, एक मिनट चल के भी दिखाती हूँ मैं। मॉडल बन सकती हूँ? रैंप पे कैटवॉक होता है, भैंस वॉक नहीं। ये कॉमेडी कर रहा है। थोड़ी देर तुम भी कर लो कि सारे एपिसोड ऐसे ही निकालोगे। Shut up. आपको आपको कैसी ड्रेस चाहिए? अर्चना जैसी। ये ड्रेस चाहिए? दे दो। अरे वो एड्रेस दे दो जहाँ से ड्रेस ली है क्या? मैं तो वैसे दांत निकाल रही है, मेरे को इतने भाव नहीं पसंद। वैसे ना मेरे को अपनी शादी का गाउन बनवाना है। आप शादी किससे कर रही हैं? उसका नाम ना आर से शुरू होता है। आर, आर, आ, रोहित। वो शादीशुदा है। तुम्हारा शादीशुदा होगा तो क्या हो गया? जैसे हर शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, शादी में भी तो होती होगी। No, he is mine. एक काम करो, इनका मेजरमेंट ले लो। तो ऑटो बुला लूं? ऑटो? हाँ, अभी नाप लेने के लिए ऑटो में ही घूमना पड़ेगा ना। पकड़ो, घूमो। कमर 150 इंच, हाथ 70 इंच। आपका एड्रेस तो बन जाएगा, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप शादी किससे करना चाहती थी। नाम नहीं बताऊंगी, अब मैं जिसके पास जाके खड़ी होंगी ना, हाँ उसी से ही। मर गया सुरिंदर। सुरिंदर रोशनी से। अंधेरे की शादी रोशनी से? अच्छा जी, जा रही हूँ साउथ अफ्रीका। अर्चना, आप इसे शुरुआत करते हैं, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? बिट्स एंड पार्ट्स में बहुत अच्छी थी, देयर वर सम नाइस पंचेस, लेकिन मुझे लगता है कि पंचेस से ज्यादा ये आप लोगों की परफॉर्मेंस से उठाया एक्ट, बट वेरी वेल डन। रोहित, पूरे एक्ट में पंचेस की कमी नहीं थी, स्क्रिप्ट में कोई कमी नहीं थी, इट वॉज अ यूनिक एक्ट, इनफैक्ट शायद पहले हुआ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा निभाया आपने। तो अर्चना, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? फॉर नाउ इट्स जस्ट अ 7। 7 8 इंस्पेक्टर रहमान अरेस्ट करने आए हैं हिप्पी कपल श्वेता और अनूप को। देखिए इस हटके पुलिस ऑफिसर के छटके। प्लीज वेलकम रहमान, अनूप एंड श्वेता। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो क्लाइंट इधर ही आएगा? फकाएगा। तुम्हें कैसे पता कि वो फकाएगा? फकाएगा नहीं, फका आएगा, कंफर्म आएगा। ओके ओके ओके, यू नो इस जगह पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, हमें यहाँ ड्रग्स बेचने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पर यहाँ पुलिस का डर तो नहीं है? ओह डार्लिंग, तुम इंडियन पुलिस वालों को नहीं जानती हो, बहुत ही ढीली है। okay. सारा एक्शन खत्म हो जाने के बाद में आती है। ओह माय गॉड, एक्शन से पहले आ गई। बस पूरी लस्सी बनवाएगा। अर्चना जी हाय। हेलो। रोहित जी हाय। ऑडियंस मेरे साथ दो बार बोलो हाय हाय। चलो अच्छा है, बिरादरी में इतने सारे लोग मौजूद हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, मैंने सुना है कि इधर इंटरनेशनल गैंग वाले छुप के बैठे हैं। जहाँ भी हो सुनो,
पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और मैंने पीछे से घेर लिया है। अगर तुम लोगों ने हिलने हिलाने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ मैं तीन तक गिनता हूँ, बाहर आ जाओ। अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा और एक बार मैं अंदर आ गया तो फिर किसी का बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। ए चलो आओ। अच्छा 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 तो तुम दोनों कर रहे थे दम मरुदम है? क्या नाम है तेरा चिकनी? मोनिका। लगता सीधा व्हाइट हाउस से आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही मोनिका है? ए ऊंची आवाज नहीं यार, मुझसे जो कुछ ऊंची आवाज में बोलता मैं उसका बहुत कुछ खोलता है, पेट से लेकर खोपड़ी तक। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? बात करने की बात कर, यहाँ खड़ा होने की तमीज नहीं है। बात करने की क्या बात कर रहा है? ए गबरू, तुम्हारे पास ड्रग्स है? नहीं। हथियार है? नहीं। जगह है? मेरे पास ना पुलिस स्टेशन में बहुत जगह है, एक बार अंदर लूंगा, दो साल तक के बाहर आने नहीं दूंगा। हमने किया ही किया है। तो पहले जिनको पकड़ा था उन्होंने कहाँ कुछ किया था? वो तो सब कुछ हम ही करवाते हैं। मुझे तो लगता है कि इसके सारे तार हिले हुए हैं। देखो तुम सीधी खड़ी खड़े खड़ी व्हाटएवर यू आर यार। ए इंसल्ट मत करो। मैं हूँ इंस्पेक्टर पांडा, अगर गलती से उठ गया ना मेरा डांडा। सुनो हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं, हम लोग मुजरिम नहीं टूरिस्ट हैं। बहुत ज्यादा बात कर रहा है तू, हट। मैं तो थक गया, मुआ एंजॉय किया जा रहा है। ऐसा ढीला इंस्पेक्टर होगा तो कोई भी एंजॉय करेगा। ढीला मत बोल, मैं बहुत ही कड़क हूँ। पूरी पुलिस अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को पकड़ने में लगी है और डॉन मेरे पीछे पड़ा है। मुझे लगता है इसको पैसे चाहिए। एक काम करो, तुम तो पैसे ही दे दो। अरे पागल फोटो क्यों खींच रहा है? मुझे बोलना, मैं तुझे अच्छी वाली भिजवा दूंगा। वो भी भिजवा देना, सबूत के तौर पर काम आएगी। सबूत? हम इंटरपोल के पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमें पता चला है कि तुम्हें ड्रग्स का एक गैंग पकड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुमने वहां पर उनसे रिश्वत ली और उन्हें छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने उनको गोली मारने के लिए जैसी पोज बनाया ना, उन लोगों ने वो जम के नोटे मेरे पे लुटाई है। वो जम के नाचा, इनकाउंटर बंद हो गया, मुजरा शुरू हो गया। आई थिंक हमें इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखो देखो देखो, हम इंटरपोल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसलिए हमें इसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देना चाहिए। सो वी गिव यू अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ, कम ऑन, शो इट टू अस। सुरेंद्र जरा बजा। बस इन्होंने नोटे लुटा लिए, आप लोग जरा नंबर लुटाओ, नहीं तो मैं आता हूँ। अर्चना क्या कहेंगी आप इस सख्त पुलिस ऑफिसर के बारे में? ये बहुत ही एंजॉयबल एक्ट था। थैंक यू। रहमान की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया थी। एंड अनूप यू आर आल्सो वेरी गुड एज द हिप्पी, एंड श्वेता यू आर वेरी सेक्सी एंड वेरी नाइस एज द वॉनाबी ज़ीनत अमान टाइप ऑफ अमेरिकन हिप्पी। वेरी वेल डन। थैंक यू। थैंक यू। जो यूनिकनेस है पूरे एक्ट की वो रहमान है। द होल एक्ट जो संभला है और बचा है इज बिकॉज ऑफ रहमान एंड द कैरेक्टर और जिस तरह से उन्होंने निभाया उस चीज को। थैंक यू। अर्चना कितने नंबर देंगी आप इन्हें? आई गिव यू 9। आई गिव यू 8। पहले तपस्या उर्फ रश्मि ने सुदेश जी से सीखा कि कॉमेडी कैसे करते हैं। अब हमारी अपनी भारती सीखना चाहती है रश्मि से कि एक डेली सोप के नेगेटिव वैम्प कैसे बना जाता है। सो प्लीज वेलकम रश्मि एंड भारती। I can't believe, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या? मैं भी आपकी तरह सुपर हिट वैम्प बनना चाहती हूँ, नेगेटिव रोल करना चाहती हूँ। तुम एक ही रिएक्शन 3 बार दे सकती हो? कैसे? चलो, अब तुम करके दिखा। हाँ। ये क्या कर रही है? वही तो मना कर रही हूँ कि नहीं हो रहा। रुला के दिखा सकती हैं आप? हाँ हाँ चलो शुरू करो।
अरे मैम रोती नहीं है कभी, रुलाती है। मुझे आज पता चल गया हंसाना बहुत आसान है लेकिन रुलाना बहुत मुश्किल। अब तुम्हें मैं बताती हूँ कि कॉमेडी की वैम्प कैसे होती है। अच्छा बताऊ? बता बता। आंख मतलब वैम्प वाली रखनी है, नीचे से स्माइल रखनी है। समझी? अच्छा करो तभी टीआरपी बढ़ेगी। मान गए मेरी अम्मा, तुम यहाँ कॉमेडी में वैम्प बनो, मैं वहाँ उत्तरण में लोगों को रुलाऊंगी और यहाँ इन्हें बैठकर हंसने दो और हम चलते हैं। बाय बाय। बाय। चलना। फौरन से आई स्मिता यहाँ आके एक बच्चा ले जाना चाहती है। राजीव के पास है बच्चों की अनगिनत वैरायटी और उनमें से छांट के निकाले हैं उन्होंने दो बच्चे जो स्मिता की लाइफ में सनसनी पैदा कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम स्मिता एज अ फॉरेनर, राजीव एज द गोद फादर एंड सलोनी एज द गोद चाइल्ड। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार अर्चना जी। हमारी एक संस्था है जो बच्चे गोद देती है। रोहित जी आप बच्चा गोद पर? नहीं नहीं आपने तो अजय देवगन जी को गोद लिया हुआ है। Excuse me, मुझे बच्चे चाहिए। यहीं सबके सामने? तुम हो कौन? मैं हॉलीवुड की फेमस एक्टर, शक्ल से नहीं पहचाना आवाज से पहचानी? आवाज से तो हम बिल्कुल नहीं पहचान सकते क्योंकि इंग्लिश फिल्म में हम देखते ही आवाज बंद करके हैं। हमारी फिल्म में ऐसी नहीं होती। टाइटैनिक को देखो कितनी साफ सुथरी फिल्म है। वो जो जहाज के नीचे वाले कमरे में बैठ के तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था? Excuse me, कमेंट्स मत दो, मुझे चाइल्ड गोद लेना है। गोद में तो आपके कुत्ते होते हैं। बच्चे तो आपके पैदल चल रहे होते हैं। अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझे एक बच्चा गोद दो। मैंने तीन तीन शादी की लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ। शादियां मत कराओ, अपना चेकअप कराओ। एक मिनट अभी बुलाता हूँ। बच्चे आ जाओ बेटा यहाँ पे। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सुन कर देती है। ये है हमारा सनसनी बच्चा। एक्चुअली ये तुम्हें यहाँ पर गोद लेने आई है, तुम इसे अपनी मॉम बनाओगे ना? लेकिन एक सर पर जिस बाप की फोटो तुम आज यहाँ पर दिखाओगी वहाँ जाकर वही बाप होना चाहिए। चाहिए एक ऐसी मॉम जो मुझे प्यार करे, ऐसी मॉम जो मुझे अच्छा खाना खिलाए, ऐसी मॉम जो मेरे बाप को प्यार करे। लेकिन एक शर्त है, ये तीनों मैं अलग अलग समय पर आए। बेबी मैं बनूंगी तुम्हारी मॉम। एक मिनट जी, उनको वो माँ चाहिए जो उनके बाप को प्यार दे, वो नहीं जो सारे मोहल्ले के बाप को प्यार दे। तुम्हारी आजकल कोई मॉम नहीं है? है, बेचारी लोगों को खाना खिलाती है, लोगों के झूठे बर्तन उठाती है। माय गॉड नौकरानी है? नहीं एयर होस्टेस है। बेटा बदतमीजी मत करो, वो तुम्हें अमेरिका लेके नहीं जाएगी। मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे चाइना जाना है। क्यों? कम से कम उंगलियां मार के उनकी आंखें तो फोड़ूंगा। हमारे इंडिया पर बुरी नजर रखते हैं। माय गॉड कितना प्यारा बच्चा। ये वो औरत जो बच्चे गोद लेने के बहाने उनका कैरेक्टर खराब करती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मॉम। कितना शैतान बच्चा है, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा छोटा सा प्यारा सा बच्चा चाहिए जिसे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। अगर ऐसा ही प्यार करना तो मुझे गोद ले लो। सॉरी मैं बच्चा दिखाता हूँ जी अभी आपको। बच्चा तैयार है? मुझे गोद ले लो, मुझे गोद ले लो। इतर इतर। सुन, मुझे गोद ले लो, मुझे गोद ले लो माता श्री। कपड़ों से तो ये तनुश्री लगती है। ये कौन है? ये है जी धृतराष्ट्र का 100वां पुत्र। व्हाट्स योर नेम बेबी? हमारे यहाँ पहले बस दो लोगों के नाम रखे थे, बाकियों को तो नंबर प्लेट दी गई थी। मुझे बाप का प्यार नहीं मिला है। माय गॉड ये सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा है जी। अंधा आदमी हाथ ही फेर सकता है, प्यार थोड़ा दे सकता है। वैसे इतनी बड़ी फैमिली होने से क्या फायदा? फायदा बताओ बेटा क्या है? फायदा ही फायदा है, हम पूरी एक फैमिली सारी फ्लॉप फिल्म भी देखने जाते हैं ना, वो भी हिट हो जाती है। बेटा
ये 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 जो तुम्हारी माँ है ये तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएंगी, ये बड़ा शरीफ बच्चा है जी, इसे ले जाइए। लेकिन मैंने तो सुनी थी कि द्रौपदी के साड़ी कांड में इसका भी हाथ है। द्रौपदी की साड़ी बस 5 लोगों ने खींची थी, हम बाकी तो उसकी साड़ी को फोल्ड करने में बदनाम हो गए थे। अंकल जितने कपड़े इसने अब पहने हुए ना उससे ज्यादा तो द्रौपदी ने चीहारन के बाद पहने थे। ये कैसी बदतमीजी से बातें करता है, जबान लड़ाता है, ये मेरे घर का काम कैसे करेगा? तुम मुझे अपने घर के काम के लिए बुला रही थी? 1 मिनट। बेटा जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आई हो ना, तुम्हारी दोनों साइड ने, तुम तो पूरी की पूरी सुन करनी बनती हो। एक्ट खत्म हो गया, थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो अर्चना क्या आप लेना चाहेंगी इस छोटी बच्ची को गोद? इसे तो आई विल डेफिनेटली वांट टू टेक होम। राजीव बहुत अच्छा, स्मिता बहुत अच्छा, एंड सलोनी बहुत 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 अच्छा, ऑल थ्री ऑफ यू। जब राजीव ने शुरू किया तभी ही वॉज कॉन्फिडेंट कि आज बाजी मारेंगे। स्मिता, इवन यू वर गुड ऑन सलोनी, कितनी बार बोलना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट। तो अर्चना कितने अच्छे स्कोर्स देंगी आप इन्हें आज? इट्स अ वेरी गुड 8 फ्रॉम माय साइड। आई विल गिव यू बैक। आज कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का के सफर में एक तिकड़ी का होगा जर्नी एंड। अब बारी है जानने की कि वो कौन सी 2 तिकड़ियां हैं जो खतरे में हैं। जिन 2 तिकड़ियों को आज सबसे कम मार्क्स मिले हैं वो है शरद भारती और परेश आप, और दूसरी तिकड़ी है राजीव स्मिता और सलोनी आप। और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारती का। रोहित जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपको काफी अच्छा लग रहा है मैं 2 बार खतरे में। इतना चाहते हैं मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब मेरी अकेले की परफॉर्मेंस इतना देखना चाहते हैं ना आप भी ना? सच्ची ऐसे मतलब मम्मी आए हैं आपके, ऐसे मत किया करो। दीदी तुसी जरा इनसे बात कर लेना, इनकी वाइफ से। ले एक घर में 2 बहनें रह सकती हैं। अब फैशन शो देखे होंगे आपने टीवी पे, एक एफ चैनल भी आता है। रोहित जी मुझे पता है रात को ये भी उठ उठ के देखते हैं, लगा उधर हुआ अजीब सी, उन्होंने मुर्दा सी लड़कियां ली होंगी और कोई बाल्टियां इधर मग्गे फूल फाल पता नहीं क्या क्या, तो चलेंगी ऐसे फोटो सेशन हो रहा होगा, दूर से ऐसे आएंगी। इतने इतने कपड़े डाले होंगे, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा होगा। yes. उसको ऐसे देख रही होंगी। फोटोग्राफर डर जाएगा कि भाई, सोच रहा होगा कि मैंने तुम्हें कहा छोटे कपड़े डालने के लिए। खैर ये कैमरे वाले शादी ब्याह में सबसे ज्यादा बुरा हाल कौन करते हैं? कैमरे वाले। कुछ पड़ोसने आंटियां हमारी ऐसी रोशनी जैसी आती है जिन्होंने शगुन थोड़ा 500 डालना होता है, गलतियां बहुत निकालती हैं और सुबह से खाना बंद कर देंगे क्योंकि लहंगे की फिटिंग नहीं आती। प्लेट इनकी बाद में भर लेंगी क्योंकि बारात में सब चली गई होती है। भाई रब्बा कुछ भी नहीं खाया सुबह से, ये कैमरे वाले भाई से कैमरा लेकर ऊपर ही। हाय साथ वाली कोई कहेंगी शीतल देखी कैमरे वाला चला गया, तेरे पीछे ही है बदतमीज। ये कैमरे वाले भाई साहब को पता चल जाता है कि ऐसी लड़कियां चाहती कि इनके ऊपर कैमरा नहीं बजे, तो वो कहाँ जाते हैं? हमारे सुरिंदर बाजी लेग पीस पकड़ा होता है पूरे जोर से बिजनेस की बात में, शर्मा साहब शर्मा साहब बच्चे ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, सोच रहा हूँ MBA के लिए विदेश भेज दूँ। अभी कैमरे वाले पूरा फोकस ले रहे होंगे उनकी प्लेट में लेग पीस में, और वो भी शर्मा जाएगा, शर्मा साहब हार कर कैमरे वाले को बोल देंगे अरे भाई साहब सारा कैमरा इधर मारोगे कि जिनकी शादी है उधर भी मारोगे। थैंक यू। और अब जान की बाजी खेलने आ रहे हैं राजीव एज अमिताभ बच्चन एंड सलोनी एज निरूपा रॉय फ्रॉम दीवार, सो प्लीज वेलकम देम। आज तक जिस औरत ने तेरे मंदिर के सीढ़ियों पे कदम नहीं रखा वो लंगर की लाइन छोड़ के तेरे सामने हाथ फैला कर खड़ी है। मैं जा रहा हूँ माँ।
सुबह का निकला, वो अभी घर में घुसा है, फिर जा रहा है। हाय राम, सिर्फ पी के आ गया। मैं कहां से पी के आऊंगा माँ, जिस गली से भी गुजरता हूँ लोग तेरी उधारी मांगते हैं, माँ तेरी उधारी मांग। कैसा बेटा है तू, अपने माँ के दूध का कर्ज भी नहीं उतार सकता। माँ वो तेरे दूध का नहीं, तेरी दारू का कर्ज मांगते हैं माँ। तू ये पीना छोड़ क्यों नहीं देती माँ? तू कहता है पीना छोड़ दे, तेरा बाप कहता था सिलाई मशीन पे सीना छोड़ दे, मोहल्ले वाले कहते हैं जीना छोड़ दे। बेटा तू तो मुझे दुबई का टिकट ला दी। जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, मांगती रहती है। रोज कहती थी आटा छन्ने की छन्नी ला दे बेटा, देख कांचा सेठ ने तेरे बेटे को छन्नी छन्नी कर दिया, छान ले आटा माँ छान ले आटा। कांचा सेठ, हाँ यही है। मैं आ रही हूँ स्लो मोशन में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ माँ। कांचा सेठ, तूने एक माँ से उसका बेटा छीना है, वो तेरा विनाश करने जरूर आएगा। मेरे करुण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। माँ, हाँ ये करुण अर्जुन कौन है? बेटा तू जा मर, मैं ठीक करती हूँ। ओके। मेरे राम लखन आएंगे, जरूर आएंगे। माँ ये राम लखन अब किस बाप की औलाद है माँ? बेटा तू मर, मैं ठीक करती हूँ। नहीं पहले ठीक कर फिर ही मरूंगा। हाँ। मेरा विजय आएगा, जरूर आएगा। दी एंड। थैंक यू। मैं दोनों तिकड़ियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आ जाए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि दोनों तिकड़ियों को क्या स्कोर्स मिले। शुरू करते हैं राजीव, सलोनी और स्मिता आपसे। आपको रोहित ने दिए 8 नंबर, अर्चना ने दिए 10 नंबर और हमारी स्टूडियो ऑडियंस ने दिए 9 नंबर। इससे आपका टोटल होता है 27 पॉइंट। शरद, भारती और परेश, आपको रोहित ने दिए 9 नंबर, अर्चना ने दिए 10 नंबर और ऑडियंस ने आपको दिए 8 पॉइंट्स। आपका टोटल होता है 27। इट्स अ टाई। चाहूंगी कि क्योंकि आप दोनों के स्कोर्स सेम है इसलिए कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है, कोई वॉकआउट नहीं होने वाला है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉमेडी सर्कस का 100th एपिसोड। 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, तो आज यहां इस मंच से कोई उदास होके नहीं जाएगा, हम सिर्फ खुश रहेंगे और खुशी फैलाएंगे। सो कंग्रेचुलेशंस, आप हंसते रहिए और प्लीज हमारी ऑडियंस को हंसाते भी रहिए। हंड्रेड एपिसोड के सेलिब्रेशंस के साथ साथ थोड़ा और सेलिब्रेट कर लेते हैं और आप लोग देखिए हमारे कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट्स। इस विमान में 2 द्वार आगे और 2 द्वार पीछे। अब ये औरत बोर करेगी मेरे को, मैं तो फॉरवर्ड ही कर दूंगा। हंसने हंसाने का यही सिलसिला हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे।